100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, 1500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा और 3400 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब में यूज होने वाला टंगस्टन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलनांक वाला मेटल है। हिरोशिमा में गिराया गया परमाणु बम जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसके ब्लास्ट पर जो 4 फुटबॉल मैदानों के आकार का आग का गोला बना, उसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था, सूर्य की सतह के बराबर। वहीं उस गोले के अंदर का तापमान 3,00,000 डिग्री सेल्सियस था। ब्लास्ट पॉइंट के 1.5 किलोमीटर की परिधि में हर एक चीज, इंसान हो या इमारत, बाप बन गई। 6,500 लोग तुरंत राख बन गए। लोगों ने कहा कि सूरज फट गया है। इतनी तेज पीली रोशनी हुई कि जिसने उसे देखा वह फिर कभी आंखों से देख नहीं पाया। 38,000 लोग बम फटने के तुरंत बाद मारे गए। उस दिन कुल 66,000 लोग मरे। वर्ष के अंत तक कुल आंकड़ा 1,40,000 का था। 15 किलोमीटर तक जितने भी शीशे थे शोक वेव से सभी चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट से जो धुएं का गुबार उठा उसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर थी। उसके बाद शहर के मलबे से जो धुआं बना वह आसमान में बादलों के साथ मिलकर बरसने लगा, जिसे काली बारिश कहा गया। यह 29 किलोमीटर की परिधि में हुई। जिस पे यह बारिश गिरी वह कैंसर, आंखों और चमड़ी से संबंधित कभी न ठीक होने वाली बीमारियों का शिकार हो गया। बम गिराने वाले विमान के पायलट ने जब हिरोशिमा का दृश्य देखा तो वह सिहर उठा। उसने उस दृश्य को नर्क में देखने जैसा बताया और कहा, हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया। इन क्षणों को मैं जिंदगी पर नहीं भूल पाऊंगा। यह बम जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर ब्लास्ट हुआ था। यदि यह जमीन पर गिरता तो इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचा पाता। नागासाकी पर बमबारी के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा, उन्हें केवल वही भाषा समझ में आती है जो हम उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपको किसी जानवर से निपटना होता है तो आपको उसके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार करना होगा। लिटिल बॉय का वजन 4,400 किलो था। उसकी लेंथ 10 फीट थी और उसका डायमीटर 28 इंच था। इसमें 64 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। इतने भयंकर विस्फोट के पीछे आइंस्टीन के एनर्जी इक्वेशन E=mc² और नाभिक के विखंडन का सिद्धांत था, जिसके फल स्वरूप बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन इम्पैक्ट करता है जिससे यूरेनियम 2 छोटे एटम्स में टूट जाता है। साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। वापस ये नए न्यूट्रॉन्स अन्य यूरेनियम एटम्स पर इम्पैक्ट करते हैं। इस तरह ये चेन रिएक्शन बहुत ही तेजी से चलने लगती है और यूरेनियम छोटे से छोटे एटम्स में टूटता रहता है। यूरेनियम के एटम के 2 छोटे एटम्स में टूटने पर कुछ हिस्सा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एनर्जी इक्वेशन के अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में बदलने पर पदार्थ प्रकाश की गति के वर्ग के मल्टीप्लाई में ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार बहुत ही ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा बहुत तेज गर्मी का विस्फोट करती है। यूरेनियम को इस प्रक्रिया में यूज करने का कारण है इसका भारीपन। यूरेनियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित तत्वों में सबसे भारी तत्व है। साथ ही इसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण इसका नाभिक अनस्टेबल होता है, जिससे इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस परमाणु बम का निर्माण अमेरिकी फिजिसिस्ट ओपनहाइमर के द्वारा किया गया। इसके परीक्षण के बाद उन्होंने गीता के श्लोक को अपने लिए परिवर्तित कर कुछ इस तरह कहा था। Now I am become death, the destroyer of worlds. जापानी शासक और अमेरिकियों की युद्ध व राजनीतिक ताकत की वासना ने कई बेकसूर बच्चों, महिलाओं व आम नागरिकों को दर्दनाक मौत दी। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करने वाले जापानी पायलट, जिसके कारण अमेरिका इस युद्ध में कूदा था, उसने समर्पण के बाद परमाणु हमला करने वाले अमेरिकी पायलट से कहा, आपने सही काम किया। उस समय जापानियों का रवैया बेहद कट्टर था, वे सम्राट के लिए मर सकते थे। वहीं अमेरिकी फ्लीट एडमिरल विलियम डी लेही, जो राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे, ने कहा, परमाणु बमों के उपयोग से जापान के खिलाफ युद्ध में कोई सहायता नहीं मिली। समुद्री नाकाबंदी और पारंपरिक हथियारों से सफल बमबारी के कारण जापानी पहले ही हार चुके थे और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। मुझे इस तरह से युद्ध करना नहीं सिखाया गया और महिलाओं और बच्चों को नष्ट करके युद्ध नहीं जीते जा सकते।
कवि और लेखक जेम्स एज ने टाइम मैगजीन में लिखा, रेस जीत ली गई। विनाशक का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया गया जिन पर सभ्यता अच्छाई की सबसे ज्यादा उम्मीद कर सकती थी, लेकिन मानवता के खिलाफ शक्ति के प्रदर्शन ने जाति के जीवित विवेक में एक अथाह गांव पैदा कर दिया। तर्कसंगत दिमाग ने आम आदमी के हाथों में सूर्य की अग्नि और शक्ति सौंप दी है।